Hey guys, welcome back to my YouTube channel. You are watching someone else. So the next video will be on introductory topic, that is concentrate. So the first question is, can you concentrate for a long time? Kya aap long time ke liye concentrate kar sakte ho? You can ask, no, it's not my cup of tea. Not my cup of tea means not easy mere liye, itna aasan nahi hai to focus on something for an extended period of time. Extended means long time period. सो सेकेंड क्वेश्चन इज, कुड यू कॉन्सेंट्रेट फॉर अ लॉन्ग टाइम वेन यू वर यंग? आप कॉन्सेंट्रेट कर सकते थे जब आप छोटे थे ज़्यादा समय के लिए? नो, इट वॉज आउट ऑफ क्वेश्चन फॉर मी एट दैट टाइम टू. तब भी मेरे लिए ये आउट ऑफ क्वेश्चन था. आउट ऑफ क्वेश्चन मीन्स कि मेरे लिए ये चीज़ पॉसिबल नहीं थी कॉन्सेंट्रेट करना, बिकॉज आई वॉज वेरी नॉटी एंड ऑलवेज अप टू मिसचीव. क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा नॉटी था और ऑलवेज अप टू मिसचीव कहने का मतलब कि हर समय शरारत के लिए रेडी रहता था. सो द थर्ड क्वेश्चन इज इट ईजी फॉर यू टू कॉन्सेंट्रेट इन अ नॉइसी प्लेस? सो यू कैन आस्क, वेल इट डिपेंड्स ऑन सर्कमस्टांसिस. ये डिपेंड करता है कि उस टाइम पे सिचुएशन क्या है. इफ देर इज समथिंग इम्पॉर्टेंट टू कॉन्सेंट्रेट ऑन, सो अगर कोई चीज ऐसी होती थी कि जिसपे कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता था, देन आई ऑलवेज पुट माई बेस्ट फुट फॉरवर्ड टू कॉन्सेंट्रेट. देन हमेशा मैं अपना बेस्ट देता था. पुट माई बेस्ट फुट फॉरवर्ड मतलब अपना 100% मैं योगदान ये देता था कि मैं कॉन्सेंट्रेट कर पाऊँ और उसको कम्प्लीट कर पाऊँ टाइम पे. अदरवाइज इट्स हार्ड फॉर मी टू फोकस इन अ क्लैमरस प्लेस. क्लैमरस यहाँ पे मैंने एक वर्ड यूज़ किया है जो हम लोग यूज़ करते हैं नॉइसी प्लेस के लिए. यहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉइज होती है, मीन्स कि वहाँ पे लाइक कॉन्सेंट्रेट करना मुश्किल होता है. तो आप क्लैमरस वर्ड यूज़ कर सकते हो नॉइसी के लिए. सो द फोर्थ क्वेश्चन इज, हाउ डू यू स्टे फोकस्ड? आप कैसे फोकस्ड रहते हो? तो आप बोल सकते हो, टू बी ऑनेस्ट, अगर ईमानदारी से बताऊं तो माई कॉन्सेंट्रेशन टोटली डिपेंड्स ऑन माई प्रायोरिटीज. अगर सच्ची में बताऊं तो मेरी कॉन्सेंट्रेशन मेरी प्रायोरिटीज के हिसाब से डिपेंड करती है. अगर कोई चीज मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली आई विल कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट. अदरवाइज मेरे से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं होता तो आप ये बोल सकते हो. बट स्टिल आई डू मेडिटेशन इन ऑर्डर टू इम्प्रूव माई कॉन्सेंट्रेशन. बट फिर भी मैं कई बार ऐसा करता हूँ, जहाँ डेली ऐसा करता हूँ कि मैं जो मेडिटेशन है वो करता हूँ ताकि मैं अपनी जो कॉन्सेंट्रेशन लेवल है उसको इम्प्रूव कर सकूँ. सो ऐसे करके आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो. सो ये था हमारा एक और टॉपिक जो आपने रिक्वेस्ट किया था. सो जो भी आपको टॉपिक चाहिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट लीव कर दीजिएगा. I will make videos on that topics too. Thank you so much. Have a nice day.